रामचरितमानस जिस दिन भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाएगा उसी दिन राम राज्य आ जाएगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ, लेकिन राम बचावे पता नहीं क्यों नहीं सरकार जाग रही। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना बहुत जरूरी है। लोग हमसे कहते हैं महाराज भारत विश्व गुरु कब बनेगा? भारत विश्व गुरु तभी बनेगा ना जब राम राज्य होगा और राम राज्य की स्थापना रामचरितमानस के आधार पर ही हो सकती है। हमारी प्रार्थना है, आजकल एक कोई शिक्षा मंत्री है, देखो हम राजनेता आदमी नहीं है, हम व्यासपीठ के आदमी है, एक कोई शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को का कहे जहर फैलाने वाला उसकी ठटरी। रामचरितमानस जहर नहीं फैलाती। शिक्षा मंत्री महोदय कभी तुम बागेश्वर धाम की राम कथा में आकर बैठकर देखना, हर समाज का लोग एक साथ बैठा, क्या अमीर क्या गरीब क्या बड़ा क्या छोटा एक साथ बैठा, यह ताकत है राम कथा में। तुम्हारी राजनीति में माननीय महोदय कुर्सियां डलती हैं कि ये छोटा है ये बड़ा, हमारी राम कथा में आकर कभी देखना कौन वर्ण का कौन सी बिरादरी का कौन बैठा, कोई नहीं पूछता, वो भी ठुमका लगाता वो भी ठुमका लगाता, यही राम कथा है साहब। लोग कहते हैं महाराज जातिवाद बहुत फैला है, हम दावे के साथ कहते हैं रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाइए, राम कथा के आधार पर जिए। भैया जैसे इस राम कथा में सब लोग एक बैठे वैसे ही भारत के हिंदू एक रहेंगे। लेकिन पता नहीं ये तथा कथित नेताजी ना जाने कौन सा चूर्ण चरण प्रास खाए हैं, ये हमको मिल जाए तो हम इन्हें राम कथा बताएं। इनकी पढ़ाई अभी ठीक ठाक नहीं है, शिक्षा मंत्री कैसे बन गए हनुमान जी मालिक है? हमें तो ये लग रहा है पक्के निठल्ला है। हाँ, रामचरितमानस जहर फैलाती है। रायपुर के लोगों से प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे बगल में जो बैठे आसपास क्या कभी पहले मिले हो? बोलो, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को मिले नहीं पर बैठे हो ना एक साथ। रामायण में एक प्रसंग है राम सेतु का, किसका बोलो ना? राम सेतु का मतलब क्या है? राम सेतु को आप डिस्टेंस से पढ़िए तो उसका अर्थ ही है राम सेतु। लोग हमसे कहते महाराज राम सेतु कल्पना है, तुम्हारी नकटा ठटरी आगी की लगी, हमें फंस जा सियान मन है? क्या कहते राम जी? हमको कल एक पत्रकार महोदय कह रहे थे गुरु जी आपको कई लोग चुनौती दे रहे हैं। हमने कहा पहली बात तो चुनौती हमें हनुमान जी के बल पर स्वीकार है, दूसरी बात भारत के ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान राम के होने का भी सबूत मांगा था, अयोध्या का भी सबूत मांगा था, अंत में उनकी ठटरी बरी। तो जो रामचरितमानस को जो भी तथाकथित हमारी बात उन तक पहुंचा दीजिएगा, भेज दीजिएगा उनको, जो भी तथाकथित बोले हैं ना कि जो है रामचरितमानस जहर फैलाती है, उनसे कहो कि रायपुर में आकर देखें क्या शासन क्या प्रशासन, अद्भुत व्यवस्था छत्तीसगढ़ के लोगों की। और सच बतावे यहाँ की प्रशासन को भी एक बार धन्यवाद दीजिए ताली बजाकर। कल ही हमारा यहाँ के सरकार के लोगों ने दिल जीत लिया जब यहाँ की राज्यपाल महोदया आकर के हमारी बहन कहती है महाराज हमें कुछ नहीं मांगना, लोग अपने लिए मांगते, पर यहाँ की राज्यपाल महोदया ने क्या गजब की मांग की, महाराज हमें एक ही दीजिए, हमारे छत्तीसगढ़ की चिंता जनता पूरे छत्तीसगढ़ के लोग खूब प्रसन्न रहे। इतनी अद्भुत बात, पूरे छत्तीसगढ़ की प्रसन्नता मंगाइए। एक बार यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी बहुत अद्भुत है, सच बता रहे हैं, हम तो पूरे भारत में घूमते हैं, बहुत सक्रिय एसपी महोदय साहब और हमारे विकास उपाध्याय जी।